नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर शिक्षा जगत से जुड़ी हुई। एनसीईआरटी के मानक तय करने वाली संस्था परख यानी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट का सुझाव है कि 12वीं का रिपोर्ट कार्ड तैयार करते वक्त कक्षा 9, 10 और 11 की परीक्षा और क्लास के कामकाज को भी ध्यान में रखा जाए। परख का कहना है कि देश भर के शिक्षा बोर्डों में समानता आ जाए तो छात्रों का एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में जाना आसान हो जाएगा। यानी ऐसी हालत में CUET और नीट की उपयोगिता को लेकर सवाल उठ सकते हैं, क्या तब इन परीक्षाओं की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि इस सुझाव के मायने क्या हैं। यानी कि 12वीं का जब रिपोर्ट कार्ड तय हो तो उसमें कक्षा 9 की भी परफॉर्मेंस देखी जाए, 10वीं की भी देखी जाए, 11वीं की भी देखी जाए और 12वीं कक्षा की भी परसेंटेज देखी जाए। कक्षा 9 के लिए 15% अंक, 10 की परफॉर्मेंस के लिए 20% अंक, 11वीं की परफॉर्मेंस के लिए 25% अंक और कक्षा 12वीं को 40% वेटेज की बात इसमें कही गई है। अब सवाल यह है कि अगर ये तमाम सुझाव लागू होते हैं जो सलाह दी गई है उस पे बाद ये सवाल खड़ा होता है कि CUT और नीट आखिर कब तक, फिर उनकी क्या उपयोगिता रहेगी, वो कब तक रहेंगे। एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में जाना आसान हो जाएगा, ये तर्क इसके पीछे दिया जा रहा है और ऐसे में CUT और नीट की उपयोगिता रहेगी क्या, ये अहम सवाल इससे जुड़ा खड़ा होता है। और हमारे साथ प्रोफेसर लतिका गुप्ता शिक्षाविद जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है लतिका जी आपका। परख का ये जो सुझाव आया है इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया, आप क्या सोचती हैं, क्या ये सुझाव सही है, क्या इससे शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के हित में होगा ये? देखिए, सही गलत में तो मैं नहीं जाना चाहूंगी, पर छात्रों और शिक्षकों दोनों की नज़र से मैं देखूँ तो ये एक बहुत ही मतलब हल्का, बिना गहराई लिए हुए, बिना भारत के पिछले 60-70 सालों के इतिहास पे नज़र डाले हुए लिया गया एक प्रस्ताव लगता है। ये बात इतनी हल्की नहीं है कि सारे बोर्ड या मंडलों में समानता आ जाए। आज तक 1964 का जो कोठारी आयोग कह गया था कि 10+2, 10+2 की शिक्षा होनी चाहिए, वो भी हम कई राज्यों में नहीं लगा पाए हैं। महाराष्ट्र को देखिए, वहाँ आज भी जूनियर कॉलेज होता है, तो यानी 10वीं के बाद स्कूल खत्म हो जाता है और 11वीं 12वीं में बच्चे स्कूल में जाते हैं। उत्तर प्रदेश के भी इंटर कॉलेज उसी तरह चलते हैं जी। तो एक प्रस्ताव आने से ये सोचना कि पूरे देश के सारे बोर्ड एक समान हो जाएंगे, ये तो खैर एक तरह की ऐतिहासिक मतलब खिलवाड़ सा लगता है। लेकिन हम करना ही क्यों चाहते हैं एक जैसे, एक समानता? हम ये सोचें कि सारे बोर्ड्स का स्तर सुधरे, उन सब में अकादमिक एक सेल बने जो मूल्यांकन को, असेसमेंट को, आकलन को थोड़ा गहराई से समझें। अभी तो कोई भी बोर्ड हो, थोड़ा बहुत एक आध को छोड़ दें तो उसमें बस प्रश्न उत्तर बनाने की एक परंपरा सी चली आ रही है। परख का भी बहुत सारा काम प्रश्नों की का विश्लेषण करना है कि किस तरह के प्रश्न कितने परसेंट पूछे गए एक्सेट्रा। मुझे लगता है कि हमारी परीक्षा व्यवस्था की खामियां बहुत गहरी हैं जी, और उनमें सफलता से ज्यादा फेल करने की एक मंशा समाई हुई है जी। तो उसमें तो ये 10% इसका, 15 इसका, 11 इसका, मुझे तो घबराहट हो रही है कि हमारे शिक्षकों का क्या हाल होगा। लतिका जी, एक सवाल मेरा ये है कि अगर अलग अलग क्लासेस को वेटेज दी जा रही है, 9वीं के नंबर्स को भी वेटेज दी जा रही है, 10वीं की परफॉर्मेंस को वेटेज दी जा रही है, 11वीं को वेटेज दी जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि एक जो कहा जाता है कि पढ़ाई को लेकर, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो बोर्ड की परीक्षा को ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं, उससे पहले की परीक्षा को वो क्योंकि स्कूल में परीक्षा होनी है उतना गंभीरता से नहीं लेते, उनका बर्डन एक तरह से कम होगा, क्या इसके पीछे ये सोच हो सकती है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत दुखद है कि हम छात्रों पे ये डाल रहे हैं, हमारी व्यवस्था बोल रही है कि परीक्षा के बिना विद्यार्थी गंभीरता से नहीं लेते, ऐसा कुछ नहीं है। ये परीक्षा में व्यवस्था में हमारी रचा बसा एक तरह का विचार है जो बिल्कुल रूढ़िबद्ध है और ऐसा नहीं है। असल में तो व्यवस्था ने परीक्षा थोप थोप के ये आदत बना दी है कि परीक्षा के बिना हम किसी चीज़ को गंभीरता से नहीं लें। पर आप सोचिए, अब दिल्ली जैसे शहर में ही देखिए कि 11वीं में कई बार विषय जब लेते हैं हम, चुनते हैं, तो बच्चों को स्कूल बदलने पड़ते हैं।
कई विषय सरकारी स्कूलों में भी आप देखिए, 11वीं में हर स्कूल में नहीं है, लड़कियों के कई स्कूलों में नहीं होता विज्ञान, कई स्कूलों में वाणिज्य नहीं होता। तो ये शायद एक बहुत ही संसाधन लेस जो प्राइवेट निजी स्कूल है उसको ध्यान में रख के एक छवि सी जो बनती है कि वही शिक्षक हैं, लगातार पढ़ाते जा रहे हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में एक निरंतरता बनी हुई है, बच्चे को भी लगेगा कि केवल 10वीं 12वीं में मेहनत ना करूं और 9वीं 11वीं में भी करूं। मुझे नहीं लगता कि ये इसमें कोई बहुत बड़ी गहराई है और ये मुझे बहुत ही एक हल्का थोथला प्रस्ताव लगता है, बल्कि इसके कारण एक बर्डन, एक बोझ और ज्यादा जी पड़ेगा कि अब ये भी अंक आएंगे, ये भी अंक आएंगे। और घूम फिर के बात देखिए अंकों की है, हमारी व्यवस्था जो आप अभी कह रहे थे अंकों से चल रही है, वो अंकों से ही चलेगी मैं और थोड़ा सा और ज्यादा। पीछे जाना चाहूँगा। जब छात्रों के ऊपर बर्डन की बात आती है तो ये भी कहा गया कि नंबरों से असेस ना किया जाए, ग्रेडिंग सिस्टम एक शुरू किया गया कि ग्रेड्स दिए जाएं, उसके आधार पर मार्किंग की जाए, उसके आधार पर असेसमेंट हो। क्या आपको लगता है ये जो कदम पिछले दिनों उठाए गए इनका एक इम्पैक्ट पड़ा? देखिए, आपने ए बी सी दिया या 10 में से 9 दिया या 100 में से 99 दिया, बात उसके आपने किस तरह उसको बच्चे का को बता रहे हैं कि तुम्हें क्या आया क्या नहीं आया, बात उसकी नहीं है। बात है मूल्यांकन करने की, आकलन करने की, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। सीखने के लिए भी आकलन होता है। हमारे यहाँ जो आकलन मूल्यांकन का तरीका है वो बहुत घिसा पिटा है, वही प्रश्न वही आते रहते हैं, रिपोर्टें लिख रही हैं, एनसीईआरटी पिछले 25 साल से कह रहा है कि सामूहिक काम करवाइए, परियोजना कार्य करवाइए, ये करवाइए वो करवाइए। बात ये कि हमें ये कहना ही क्यों पड़ रहा है, जी हमारे शिक्षक हमारे स्कूल अपने आप क्यों नहीं कर रहे हैं ये, स्कूलों में परियोजना करने के लिए जी माहौल है क्या ऐसे? लतिका जी, ये जो सुझाव है इसमें एक तर्क जो उसका आधार है वो ये है कि बोर्ड्स में समानता आएगी। अब बोर्ड्स में समानता क्या जरूरी है, एक सवाल तो यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है। और बोर्ड में अगर समानता आती है तो उसका क्या फायदा होगा, दूसरा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है। इस पर भी जरा प्रकाश डालिए। हाँ, मुझे नहीं लगता कि बोर्ड में समानता लाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारा जी लक्ष्य होना चाहिए कि हर राज्य का बोर्ड अपने आप में एक बहुत ही उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्था हो, उसमें अलग अलग विभाग हों जो मूल्यांकन और दूसरे विषयों के ज्ञान पे विशेषज्ञ लोग हों जो इन सब चीज़ों पे चर्चा करते हों। और समानता ला के हम क्या पाएंगे? हम बोर्ड तो खत्म नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश का बच्चा मध्य प्रदेश के बोर्ड में ही जाए, क्योंकि जब हम एक तरह का समानता लाने लगते हैं तो क्या हम ज्ञान में भी समानता लाना नहीं, चाहते कह रहे हैं हैं? जाना आसान हो जाएगा, एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में जाना आसान हो तो जाएगा। कौन जाता है, क्यों जाना है, किसके लिए है ये नीति? ये जाहिर है भारत के चुनिंदा 1% विद्यार्थियों के लिए को ध्यान में रख के रखी गई होगी। अब अगर बड़वानी खड़गोन लातूर जिले के आप बच्चों को देखिए, जो अलग अलग जगहों पे कौन हर रोज स्कूल बदल रहा होता है, वो स्कूल तभी बदलते हैं जब जी जिले में पैसा स्कूल नहीं होता है, ऊंचा स्कूल नहीं होता है, 10वीं 11वीं 12वीं नहीं होती है, जी तो ऐसे बच्चे स्कूल नहीं लेकिन बदलते लतिका हैं। जी, एक सवाल और है यहाँ पर कि जैसे सीबीएसई बोर्ड है, अब सीबीएसई बोर्ड के जो स्कूल्स हैं जो उस बोर्ड से एफिलिएटेड हैं वो हर ऑल ओवर इंडिया हैं, हर शहर के अंदर मौजूद हैं, हर राज्य में मौजूद हैं। तो वहाँ पर अगर हम पढ़ाई का पैटर्न देखते हैं, कोर्स की किताबें देखते हैं, उनका करिकुलम देखते हैं, तो वो एक जैसा समानता है। मान लीजिए कोई बच्चा आज दिल्ली सीबीएसई बोर्ड में परीक्षा दे रहा है, कल को उसके पिताजी की ट्रांसफ़र कहीं मध्य प्रदेश में हो जाती है, वो उसी बोर्ड में अगर जा रहा है तो एक समानता वहाँ पर दिखती है। तो ये तो एक फैक्टर हो सकता है सोचने का, शायद इसके पीछे का ये रीज़न रहा नहीं, उनको। बिल्कुल भी जी नहीं। देखिए, मैं खुद केंद्रीय विद्यालय में पढ़ी हूँ, जिसमें आप साल के किसी भी महीने के किसी भी दिन उठ के कहीं चले जाएं तो आपको वही पाठ पढ़ाया जा रहा होगा। तो जो ये ट्रांसफर वाले लोग होते हैं उनके लिए खास केंद्रीय विद्यालय बने हुए हैं, उस वो एक बहुत ही छोटा सा तर्क होता है। बात ये है कि वही विषय, वही थीम, वही टॉपिक हम क्यों चाहते हैं कि एक ही तरह बिल्कुल कानून की तरह पढ़ाया जाए? क्यों नहीं, जी आप चाहे विज्ञान का कोई मुद्दा उठाइए, आप सामाजिक शास्त्र उठा लीजिए, कुछ भी ऐसा होगा जो दसियों तरीके से पढ़ाया जा सकता है। आप मौसम पढ़ा रहे हैं तो क्या आप लद्दाख में वही मौसम पढ़ाना चाहेंगे जो आप मध्य प्रदेश में पढ़ाएंगे या राजस्थान में? नहीं पढ़ाना चाहेंगे ना आप। आप जाहिर है बर्फ के बारे में और किस तरह की बर्फ, किस तरह का हिमालय का हिस्सा लद्दाख में है वो हिमाचल से भी अलग होगा। तो हम क्यों एक जैसा, एक ज्ञान का रूप पढ़ाने को गुणवत्ता का एक से वो मानने लगे हैं सूचकांक, ऐसा नहीं जी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया लतिका जी, इस विषय पर इतनी गहराई से बात करने के लिए और अपना पक्ष आपके जो आपका जो नज़रिया है वो रखने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
और अब रुख करते हैं अगली खबर का, बात करेंगे नीरज चोपड़ा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करने वाले जेवलिन थ्रो के स्टार नीरज चोपड़ा से बात की। नीरज ने ओलंपिक में लगातार दूसरे साल मेडल जीता है, मतलब लगातार दूसरे ओलंपिक में मेडल जीता है। पिछले ओलंपिक खेलों में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, इस बार उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। नीरज ने इस बार 89.45 मीटर भाला फेंककर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। हेलो नमस्ते सर। नीरज बहुत 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 बधाई आपको। धन्यवाद सर, आपने देश का नाम फिर एक बार रोशन कर दिया जी। और पूरा देश, मैं देख रहा था रात को 1 बजे भी करोड़ों लोग आपके तरफ आशा की नजर से देख रहे थे। बस सर वही है कि जो सबकी उम्मीद थी गोल्ड के लिए, वो कहीं ना कहीं एफर्ट भी लगाया, लेकिन जैसा हमारी बात हुई थी कि छोटी वो इंजरी वगैरह की वजह से वो पुश जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाया, उसका थोड़ा सा वो रहा। क्या किया जाए भाई? वही डिसीजन लेंगे सर टीम के साथ, लेकिन कंपटीशन जो था वो काफी तगड़ा था और ऐसी सिचुएशन में भी थ्रो करना और मेडल लेके आना कंट्री के लिए उसकी खुशी है जी। जी और आपने तब भी मुझे कहा था कि उसका मुकाबला बड़ा सचिन का तगड़ा होता है। हाँ जी। और इंजरी के बावजूद भी आप ये मैनेज करते हैं, मैं समझता हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी को भी बड़ा आश्चर्य होता होगा। नहीं बिल्कुल सर, काफी काफी अच्छा रहा और वही है कि ये तो सिलसिला चलता रहेगा गेम में, स्पोर्ट्स में अप डाउन्स, और अभी आगे और ज्यादा मेहनत करेंगे और बाकी आगे गेम्स आ रहे हैं तो वो खेल लेंगे सर अच्छे से। आपकी माता जी भी कभी खेल कूद में रही थी क्या? नहीं सर, फैमिली से कोई नहीं रहा, पर ये है कि यहाँ हरियाणा में वो माहौल जरूर है खेल का, तो कुछ ना कुछ पहले बचपन में खेले होंगे जी। उसमें एक जो स्पोर्ट्स परिवार का स्पिरिट होता है, हाँ जी, वो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने कहा, जब उनको कहा गोल का, उन्होंने कहा वो भी तो मेरा बेटा है। ये स्पिरिट है, मैं तो बहुत सचमुच में आपके परिवार को भी बधाई देता हूँ। नहीं बिल्कुल सर, क्योंकि ये स्पोर्ट्स में सर वही है, जुड़े रहते हैं। हाँ सर, स्पोर्ट्स में अप डाउन वो चलता है, अब ऐसा काफी अपना दिन रहता था, भगवान अपने साथ होता था कि हम गोल्ड जीतते थे, और गेम में वही है कि अब अरशद ने जीता है तो वही है, जिसका दिन होता है सर उसी को मिलता है वो उस दिन, तो जैसा हमारा टोक्यो में था। लेकिन आप लोगों की मेहनत होती है और आप बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। बिल्कुल सर, आपने इंजरी के बाद भी जो मैनेज किया है ना, वो वाकई बहुत ही अद्भुत है जी। और उसमें तो ये स्पिरिट, मुझे देश के लिए कुछ करना है, वही तो ड्राइव करता है। बिल्कुल सर, ये भी तो काफी बाकी है सर। आप मन में से गोल्ड वगैरह निकाल दीजिए। हाँ सर, अब तो निकल ही गया वैसे ही। आप बहुत बड़ा गोल्ड है। नहीं सर बिल्कुल, ये तो सर चलता रहेगा जब तक गेम चल रहा है, तो हमेशा रिजल्ट तो उसी दिन डिसाइड होता है, पर अपनी तरफ से सर मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, वो ज्यादा ही करेंगे आगे, और जब तक खेल लेंगे अपनी कंट्री के लिए हमेशा जितना अच्छा कर सकते हैं। बहुत नई नई ऊंचाइयों को पार, और आपने वैसे भी 2 बार ओलंपिक जीतने वाले बहुत इन्हें गिने लोग होते हैं, उसमें तो आपने अपना नाम दर्ज करा ही दिया है। बिल्कुल सर, चलिए मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई और आपके माता पिता को भी मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच सर, और मेरी बहुत शुभकामनाएं है, और आप मुझे जब भी मिलोगे जी सर हमें इंजरी की डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है सर, ये हाँ जी, कि इसका क्या उपाय हो सकता है और हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। थैंक यू सर, टेक केयर, नमस्ते सर। इस शानदार जीत के बाद एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में नीरज चोपड़ा ने कहा कि आज मेरा दिन नहीं था, लेकिन खुश हूं मैं चोट से बाहर और सिल्वर जीता। सुनिए पूरी बातचीत।
तो नीरज चोपड़ा ने जो कुछ किया है वो भी एक अलग तरह का इतिहास है। बहुत सारे फैंस जो हैं उसको अलग नज़रिए से देखते हैं कि गोल्ड मिसवा, लेकिन जो स्पोर्ट सर्किट में वो जानते हैं कि कितनी बड़ी कामयाबी है, भारतीय खेलों के इतिहास में पहली बार हुआ। नीरज, ये प्रोसेस जो आप लगातार 4 साल से 6 साल से कंसिस्टेंट है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है और टोक्यो से बड़ा मेजरमेंट लेंथ है ये। जी बिल्कुल, थ्रो टोक्यो से अच्छी है और कंपटीशन भी बहुत तगड़ा था, अर्शद ने बहुत अच्छी थ्रो लगाई है। लेकिन वही है कि अब काफ़ी टाइम से आप सभी को पता है कि मुझे वो एक वो इंजरी की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो उस पर थोड़ा सोचना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा और अभी टाइम है एक डिसीजन लेने का, क्योंकि कंसिस्टेंसी ठीक है 88-89 तक, लेकिन आगे बढ़ना है अभी, तो उसके लिए सब ठीक करेंगे और फिर और पर अच्छा फील होता है जब भी अपनी कंट्री के लिए जीतते हैं। और मुझे पता है सभी की उम्मीद थी, जो सभी ने सोचा था वो तो नहीं आ पाया, लेकिन मेडल मेडल है और आगे और मेहनत करेंगे और अच्छा करेंगे। दूसरा सवाल कि 4 साल पहले भी मैंने आपका पहला इंटरव्यू जो किया था तो आपने बोला था कि जीतना अलग बात है, मैं उसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ अगले में, ये विजन कैसे आया है पूरा, न सिर्फ आपका आया है और एशिया पावर हाउस आपने बना के दिखा दिया आपने नदीम। बिल्कुल वही बात है जी, जो टोक्यो के बाद अपनी बात हुई थी कि अब क्या करना आगे, और मेरा वही जवाब था कि अभी तो शुरुआत ही हुई है, अभी और मेहनत करनी है। उसके बाद फिर 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल हुए, डायमंड लीग और एशियन गेम्स, अभी आज ओलंपिक्स, तो जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। और जो भी सोचा था स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था तो इतना नहीं सोचा था, और जितना आज मिला है वो भी बहुत ही अच्छा है। और मैं थैंक यू करता हूँ अपना, मतलब जो भी मुझे सपोर्ट मिली हमेशा टॉप्स की तरफ से, साई फेडरेशन, मतलब बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। जब स्टार्टिंग में मैं पटियाला नेशनल कैंप में गया था तब से लेके अभी तक काफ़ी चीज़ों पे काम हुआ है, और उसी की वजह से, और एथलीट भी जैसे जेना ने बहुत अच्छा किया, और भी अपने अच्छे अच्छे एथलीट्स आए हैं, तो और आगे फ्यूचर में और ज़्यादा आएंगे, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो अच्छी हुई हैं और शायद इस मेडल के साथ बाद और अच्छा होगा। मुझे 3 सवाल की ही इजाज़त है, तीसरा और आखिरी सवाल, आपकी मदर से का मैं बाइट देख रहा था, वो भी कह रही थी मतलब पूरा गांव खुश है जी। आपने पहले भी एक इंस्पायर किया है पूरे लॉट को, तो आप NDTV के दर्शकों को जैवलिन खेलने के लिए, हॉकी खेलने के लिए, आप बाकी लोगों को इंस्पायर करते हैं, एक मैसेज देते हैं? बस यही मैसेज है जी, इस बार आप सभी की बहुत अच्छी सपोर्ट रही और सभी खिलाड़ियों ने बहुत ही अच्छा किया है। बिल्कुल कई बार हम एक्सपेक्ट कुछ करते हैं वो शायद नहीं हो पाता, और ऐसा सिर्फ हमारे साथ नहीं वर्ल्ड के टॉप एथलीट के साथ भी हुआ है कि बहुत अच्छे एथलीट है लेकिन वो शायद फाइनल में भी नहीं जा पाए और पोडियम फिनिश नहीं कर पाए, तो ये स्पोर्ट्स का हिस्सा है। बिल्कुल मुझसे भी हमेशा गोल्ड की उम्मीद रहती है, तो हमेशा विश्वास जो था उसको बरकरार कर, मतलब उसको पूरा करते आए थे, आज शायद अपना दिन नहीं था, भगवान ने हमेशा सिल्वर बहुत ही अच्छा किया और जो भी मिला आज उससे बहुत खुश हैं और भगवान यही करें कि अपने देश के लिए ऐसे जीत करें। थैंक यू सो मच। और अब एक खुशखबरी मुंबई करों के लिए, जी हां, मुंबई में जो लोग अपने घर का सपना देख रहे हैं या अपने घर की तलाश कर रहे हैं तो उनके लिए ये खबर बहुत बड़ी है, क्योंकि महाडा ने हाउसिंग स्कीम निकाली है और इसको महाडा की लॉटरी कहा जा रहा है। अलग अलग श्रेणियों में मकान निकाले गए हैं, तो बता दें आपको किस श्रेणी के लिए कितने मकान आरक्षित किए गए हैं, जिससे कि आप तय कर सकें कि आप किस श्रेणी में आते हैं, कहां आपको अप्लाई करना है। तो मध्यम आय वर्ग श्रेणी के अंदर 768 मकान निश्चित किए गए हैं, निम्न आय वर्ग में 627 मकान, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी में 359 मकान और उच्च आय वर्ग के 276 मकान इसमें निश्चित किए गए हैं। तो अलग अलग कैटेगरी निकाली गई है। आपको बता दें कि जो MIG श्रेणी वाले मकान हैं वो मुख्य रूप से 2 BHK हैं, LIG, EWS श्रेणी के मकान 1 BHK अपार्टमेंट हैं और HIG श्रेणी के मकान 3 BHK अपार्टमेंट हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज हैं जिनके तहत आप अप्लाई कर सकते हैं। महाडा की लॉटरी की जो खासियत है, इन मकानों की स्कीम की जो खासियत है वो ये कि घरों की कीमत आमतौर पर 30 लाख रुपए से शुरू होती है, 3 BHK अपार्टमेंट की कीमत 1 करोड़ से ज़्यादा हो सकती है। महाडा की जो लॉटरी है उसमें 9 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं, आवेदन की अंतिम तारीख 4 सितंबर है। तो भले ही मामला किस्मत का है लेकिन प्रयास ज़रूर करना चाहिए, जो लोग आवेदन करना चाहते हैं वो इन तिथियों के हिसाब से, नियमों के हिसाब से आवेदन कर सकते हैं।
नहीं तो अभी कैसे है कि EWS और LIG के जो घर होते हैं वो तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस की जो रेंज है, मतलब अगर EWS का रेंज अगर आप देखेंगे तो वो 29 लाख से 42 लाख तक है, मतलब 29 लाख टू 42, और जो LIG का घर है वो 37 लाख से शुरू होती है। तो जो मैक्सिमम हाउसेस EWS और LIG में है वो 1 BHK में है, बट कुछ LIG के घर 2 BHK के भी है, बट उसके ऊपर के जो घर होते हैं वो MIG और HIG में आती है। और जैसे जैसे मैंने सबकी उम्मीद है कि भाई EWS LIG को घर देना तो माडा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, लेकिन इसके साथ ही जो MIG और HIG प्रवर के लोग हैं जो मुंबई में रहना चाहते हैं बट ओपन मार्केट के रेट्स के हिसाब से वो घर नहीं ले सकते, उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अच्छे जगह पे कम दर पे घर लेने की। और हमारे साथ अमय प्रताप सिंह मैनेजिंग डायरेक्टर युगायतन ग्रुप के जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अमय जी आपका। ये जो स्कीम आई है महाडा की, लॉटरी ही कहा जाए इसे? जी बिल्कुल, मैं महाराष्ट्र सरकार को बधाई देना चाहूंगा। देखिए किसी भी शहर के लिए ये बहुत जरूरी है, उसकी प्रगति के लिए जरूरी है कि जो टॉप इंटेलेक्चुअल टैलेंट है जो शायद उस शहर की प्रॉपर्टी रेट्स के हिसाब से घर वहां शायद ना खरीद पाए, पर आप उनके लिए भी एक जगह बनाए, सोसाइटी के हर वर्ग के लोगों के लिए हम जगह बना सके ताकि मुंबई एज अ शहर ग्रो कर सके। अब प्रॉपर्टी रेट्स मुंबई में इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं जी कि सोसाइटी के हर वर्ग के लिए यहाँ पे घर लेना मुमकिन रहा नहीं है। तो म्हाडा ने जो ये स्कीम लाई है इसमें इतने सारे अलग श्रेणियां हैं जिसमें लोग आके अब रह पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। और इसमें सबसे खास बात यह है, अगर आप घरों के लोकेशन देखेंगे, आमतौर पर आवास योजना और अफोर्डेबल हाउसिंग के जो घर बनते हैं शहरों के बिल्कुल कोने में होते हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल शहरों के बीच बीच में। जी चलिए, मैं ये जानना चाह रहा कितने वक्त के बाद इतनी बड़ी स्कीम आई है, क्योंकि कहा जा रहा है इस जिस संख्या में इस बार मकान ऑफर किए गए हैं ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। जी बिल्कुल, आमतौर पर माडा जब इस तरह की स्कीम्स, लॉटरी स्कीम्स रिलीज करते हैं तो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स के लिए होते हैं, इंडिविजुअल लोकेशंस के लिए होते हैं। ये पहली बार देखने मिल रहा है कि इतनी बड़ी स्कीम एक साथ लॉन्च की जा रही है। जरूर इसका कोई ना कोई थिंकिंग सरकार की ये भी रही होगी कि अब आने वाले चुनाव में भी इसका एक अच्छा असर उन्हें देखने मिलेगा। जी अमय जी, सरकार की जो सोच है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या महाराष्ट्र सरकार हो, किसी भी राज्य की सरकार, वो एक मोटो के साथ आगे चलती है, एक मकसद के साथ आगे चलती है कि सबके घर पर छत होनी चाहिए। क्या आपको लगता है उस सोच को बढ़ा रही है ये स्कीम? जी बिल्कुल, अगर आप भारत सरकार के लार्जर प्रोग्राम की तरफ देखेंगे तो उन्होंने इन चीजों पे फोकस किया है कि एक आम आदमी की जो बेसिक नेसेसिटीज है वो क्या है, वो जल है, वो उनकी फूड सिक्योरिटी है, और वो घर है, सैनिटेशन है। तो इसमें जो कड़ी सबसे ज्यादा कमजोर पड़ रही थी अब वो हाउसिंग बची थी। तो इस बार भी आपने यूनियन बजट में भी देखा है और माडा की स्कीम से भी यही जाहिर होता है कि हाउसिंग पे एक काफी बड़ा फोकस भारत सरकार का रहेगा। जी अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें, जो प्राइवेट हाउसेज हैं, अगर मार्केट की, ओपन मार्केट की हम बात करें तो मुंबई में कहा जा रहा है कि स्काई रॉकेटिंग है, मतलब पहुंच के बाहर घर हो चुके हैं, अच्छे अच्छे आमदनी वाले लोग भी घर खरीदने से पहले दो बार सोचते हैं। ऐसे में एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इससे पैदा होगा, क्या आपको लगता है ऐसा, या फिर ये एक लिमिटेड स्कीम है, एक लिमिटेड लोगों तक ही पहुंचेगी तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, मुझे लगता है कि जिन लोकेलिटीज में ये स्कीम लॉन्च हो रही है इसका काफी बड़ा फर्क हमें देखने मिलेगा, क्योंकि जो लोग इन घरों में अप्लाई करेंगे लॉटरी से, जिन लोगों की जीत होगी वो शायद इसी प्राइस में घर अगर खरीदते तो उन्हें अपने जहां वो काम करते हैं या जहां उनके बच्चे स्कूल जाते हैं उनको कई घंटों का ट्रैवल करना पड़ता जी, वो अब उन्हें करना नहीं पड़ेगा। तो इसका आम आदमी की जिंदगी पे काफी पॉजिटिव असर हमें देखने मिलेगा। जी आपसे ये और समझना चाहते हैं कि इस जो स्कीम के अंदर जो मोटा मोटी नियम क्या है, अगर मान लीजिए किसी के पास पहले से म्हाडा की किसी स्कीम का मकान है, उसके कभी पहले लॉटरी में उसका नंबर आया है, तो क्या वैसे लोग भी अप्लाई कर पाएंगे या जिनके पास स्कीम का मकान नहीं है केवल वही लोग अप्लाई कर पाएंगे? जो अभी ऑलरेडी म्हाडा हाउसिंग में है उस तरह के लोगों के लिए मेरा अनुमान है कि किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन जरूर होगा, पर इसके जो मेन डिटेल्स हैं वो म्हाडा की वेबसाइट पे भी उपलब्ध हैं, सभी लोग जाकर वहां देख सकते हैं। लॉटरी के लिए एप्लीकेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे जरूरी है लोगों के लिए इसमें समझना कि क्या इनकम लेवल में आप एलिजिबल हैं स्कीम में अप्लाई करने के लिए, और उस इनकम को कैलकुलेट करने के लिए परिवार के कितने जनों की इनकम कैलकुलेट होगी। तो इसके हिसाब से लोगों को ये प्रक्रिया समझ के म्हाडा की वेबसाइट पे अपना एप्लीकेशन करना। जी
आप जो लोएस्ट मकान है वो जाहिर सी बात है ईडब्ल्यूएस के लिए ही होगा उसके दाम, अगर हम मुंबई के हिसाब से देखें जो कीमत उसके लिए सेट की गई है क्या वो भी काफी कम है मुंबई के पैरामीटर्स के हिसाब से? तो मुंबई के पैरामीटर्स के हिसाब से काफी कम है। अगर आप इसे जनरली अफोर्डेबल हाउसिंग की कैटेगरी से देखें कि जो भारत के इनकम लेवल्स हैं नेशन वाइड हैं उसके हिसाब से शायद ईडब्ल्यूएस वर्ग के कई लोग होंगे जो इस घर को भी शायद अफोर्ड ना कर पाए, पर मुंबई में जो लोग रह रहे हैं आप देखिए कोई भी माइग्रेंट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अगर वर्कर मुंबई में आता है तो उसके पास स्लम में जाने के अलावा आज कोई चॉइस नहीं है जी। और स्लम में भी आपको प्रॉपर फैसिलिटी सैनिटेशन अवेलेबल नहीं है जबकि आपकी आमदनी काफी अच्छी हो सकती है जी। तो उस वर्ग के लोगों को इसमें काफी बेनिफिट मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें हमसे बातचीत करने के लिए इस पूरे मसले पर, बहुत इंपॉर्टेंट खासकर उन लोगों के लिए जिनके घर पर जिनके पास घर नहीं है जिनके सर पर छत नहीं है वो एक अफोर्डेबल हाउसिंग की तलाश में है तो ये उनके लिए एक बड़ा मौका हो सकता है। सीधे अब हम रुख करेंगे हमारे संवाददाता पारस दामा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से इसी स्कीम पर बातचीत करने के लिए। पारस कितनी बड़ी ये स्कीम है, डेट्स हमने बता दी हैं और क्या क्या इसके नियम कायदे हैं और क्या क्या इसकी उसके लिए नियम सेट किए गए हैं उसके बारे में भी जरा बता दें। अनंत ये बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है और ये पहली बार नहीं है जब मुंबई में महाड़ा इस तरीके की लॉटरी जो है वो सबके समक्ष रख रहा है और लोगों का इसको फायदा मिल रहा है। पिछले कुछ सालों से लगातार महाड़ा इस तरीके की लॉटरी सामने ला रहा है जहां पर मुंबई में घर खरीदने के लिए लोगों की पूरी जिंदगी चली जाती है, वैसे में अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो महाड़ा जैसी संस्थाएँ लोगों को प्रदान करती हैं। इस पूरे लॉटरी सिस्टम में आपको फॉर्म भरना होता है, आपको कुछ पैसे जो है वो डिपॉजिट कराने होते हैं जिसके बाद ऑनलाइन ही ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ये पूरी सिस्टम में ही लॉक हो जाता है और उसके बाद लॉटरी सिस्टम निकलता है। पूरा एक महीने का समय होता है जब आप लॉटरी भर सकते हैं और ये लॉटरी सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये मुंबई के ऐसी जगहों पे आपको घर दिलाने की कोशिश करता है जहां पर अगर आप नॉर्मल प्राइवेट बिल्डर्स के पास जाएंगे या फिर प्राइवेट सोसाइटी में जाएंगे तो करोड़ों का फ्लैट होता है, वडाला, बोरीवली, नवी मुंबई, फिर अगर आप जाएं गोरेगांव, अंधेरी, ऐसी जगहों पे महाड़ा के फ्लैट्स जो होते हैं वो नॉर्मल रेट से बहुत ज्यादा कम मिलते हैं। मुंबई में अगर आप अंधेरी जैसी जगह पे जाते हैं तो वहां पे स्क्वायर फीट का जो रेट होता है वो लाख तक पहुंच जाता है। ऐसे में अगर आपको महाड़ा में 35 से 40 लाख के बीच में 1 BHK मिलता है तो वो बहुत बढ़िया बात है और जो पारस दो तीन बातें वो इसको अफोर्ड कर सकता है। दो तीन बातें जो इंपॉर्टेंट हो जाती है जो लोगों के जहन में घूम भी रही होंगी, हालांकि जब वो वेबसाइट पे जाएंगे वहां से क्लैरिटी मिल सकती है लेकिन हमारे दर्शक हमारे जरिए क्लैरिटी पाले तो अच्छी बात है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसके जो रूल्स सेट किए गए हैं उन रूल्स में पहली बात ये कि क्या कोई डोमिसाइल का इसमें नियम है, क्या इसमें रिजर्वेशन का नियम है कि इतने मकान इस कैटेगरी के लिए इतने मकान इस कैटेगरी के लिए, या फिर ये ओपन फॉर ऑल है, ये ओपन मतलब एट लार्ज इसको ओपन किया गया कि अब मुंबई में रहने वाला कोई भी व्यक्ति उसका डोमिसाइल है नहीं है वो उसके लिए समान रूप से हकदार है, वो सबके लिए ओपन है ये? अनंत बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। जब आप महाड़ा की किसी भी लॉटरी में आप अप्लाई करते हैं तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप महाड़ा लॉटरी के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे और आपको जो एप्लीकेशन होगा वो आपका वहीं रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। वहीं आपका दूसरा सवाल है उसका जवाब यह है कि अलग अलग कैटेगरीज जो है वो डिसाइड की गई है। अगर आपकी आय उस कैटेगरी के हिसाब से है जैसे कि आप एकदम लोअर वर्ग के हैं तो 6 लाख से ज्यादा आय आपकी नहीं होनी चाहिए तो आप उस हिसाब से जो है कैटेगरी से पारस कैटेगरी से मेरा मतलब था क्या इसमें रिजर्वेशन जो आधार है SC ST OBC क्या इसको भी आधार बनाया गया, केवल इनकम को ही आधार बनाया गया? मैं ये डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूं यहां पर। अनंत इसमें जो है वो ओबीसी कोटा या ऐसा कोई कोटा है नहीं अभी के लिए। अभी के लिए सिर्फ आपकी इनकम पे सारा फोकस रखा गया है कि कितनी इनकम है आपकी और उसी कैटेगरी के हिसाब से 3 कैटेगरी सेट की गई है, लोअर इनकम, मिड इनकम और हायर इनकम। तो इसी के अंतर्गत जो है वो फ्लैट अलॉट किए जाते हैं, इसी के हिसाब से कैटेगरीज को बांटा गया है और आपकी इनकम अगर 6 लाख से कम है तो उसके हिसाब से फ्लैट जो है वो रखे गए हैं। अगर उससे ज़्यादा आपकी आय है जब मिडिल क्लास के फॉर्मेट में आती है तो उस हिसाब से फ्लैट रखे गए हैं और हायर क्लास के हिसाब से कैटेगरी में आपकी इनकम आती है तो उस हिसाब से रखे गए हैं। डोमिसाइल का नियम होने का मतलब पारस सीधा ये है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो उनके लिए ये स्कीम नहीं है, सीधा मतलब ये निकला।
ये कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि जब आप मुंबई जैसे शहर में आते हैं तो आपको सारी चीज़ें सोच विचार के करनी होती है। मुंबई छोटा सिटी नहीं है, बहुत बड़ा सिटी है और कायदे कानून भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कड़क होते हैं। ऐसे में अगर आप कहीं से आ रहे हैं तो 15 साल यहाँ रहना अनिवार्य है। ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पर इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके के रूल्स जो हैं कायदों को बनाया गया है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि मुंबई में हर घंटे लाखों की तादाद में लोग यहाँ काम करने के लिए आते बहुत हैं। बहुत शुक्रिया पारस, की जगह थोड़ी सी छोटी है। जी बिल्कुल पारस, समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से तमाम नियम कायदे स्कीम से जुड़े समझाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पे लेंगे, जल्द लौटते हैं। हेलो मोटो, मोटोरोला रेजर 50 अल्ट्रा कम्स विद गूगल जेमिनी। और अब मोटोरोला प्रेजेंट्स टॉपिक ऑफ द डे। बात होगी नीरज चोपड़ा की टॉपिक ऑफ द डे में, क्योंकि वो सुर्खियों में है, सिल्वर मेडल जीता है। हालांकि कहना यह है कि आज उनका दिन नहीं था, फिर भी वो खुश है। एक बार फिर से बात करेंगे खेलों की। विनेश फोगाट के मामले पर अगले घंटे में सुनवाई होने वाली है, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पेरिस से हमारे संवाददाता विमल मोहन। इस वक्त मैं ट्रिब्यूनल दे पेरिस में हूं और यहां पे एक एडहॉक बॉडी बैठती है कैस की, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स। आप आम भाषा में समझें तो खेलों के जो मसले होते हैं उनका सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पे। और जो हमेशा जो इसकी स्थापना करीब 40-45 साल पहले 1983 में हुई, 47 साल पहले, और तब से जो कोर्ट के जितने भी मसले होते हैं, मतलब जो स्पोर्ट्स के जितने भी मसले होते हैं, चाहे IOC में जाए या एंटी डोपिंग के जाए, कई सारे इंडिया से केसेस होते रहे, यहाँ पे आते हैं। और विनेश का फैसला भी यहीं पे होना है। यहाँ पे एक सिंगल जो जज हैं वो ऑनरेबल डॉक्टर एनाबेल हैं, वो इसका फैसला करेंगी। करीब 1.5-2 घंटे के बाद इस पर सुनवाई होगी और ओलंपिक्स के दौरान ही इसका फैसला आना है। 11 अगस्त तक ये बॉडी बैठती है, एडॉक बॉडी यहाँ पे, और उसके बाद फिर कैस के जो हेड ऑफिस में मसला जाता है। तो हर ओलंपिक्स में एक तरह से एडॉक बॉडी सेट की जाती है और इसमें UWW मतलब जो वर्ल्ड रेस्लिंग बॉडी है वो एक पार्टी है। इसके अलावा जो बाकी विनेश और IOA जो है वो एक पार्टी है, और भारत की ओर से जो है जो इस विदुषपत सिंघानिया और हरीश सालवे, काफ़ी जाना माना नाम है दोनों, और स्पोर्ट्स में भी केश विदुषपत काफ़ी देखते रहते हैं और कई सारे मसले उन्होंने सुलझाए हैं। तो 1% जो उम्मीद है वो यहीं से उम्मीद है कि भारत को एक और सिल्वर जो विनेश फोगाट को मिल सकता है वो यहाँ से आ सकता है, और इसी कोर्ट को दिखाने की कोशिश करेंगे हमारे जो दोस्त हैं कैमरा पर्सन। तो इस कोर्ट में इसका मसला फैसला होगा कि भारत को एक और सिल्वर रेसलिंग के जरिए हासिल होगा या नहीं। विमल मोहन, पेरिस से NDTV।